लाइफ में ना अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। खुश रहने की वजह ढूंढना सीखिए। जिस दिन आपने खुश रहने की वजह ढूंढना शुरू कर दिया छोटी छोटी बातों में, आपकी लाइफ जो है इजी हो जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली कल्पना क्रिएटिव व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो यहाँ पे हो रहा है अर्ली मॉर्निंग का टाइम, 6:30 बजे के आसपास का। और यहाँ पे जो है आज मैं घर के स्ट्रेस को दूर रख के, साइड में रख के, स्कूल के साथ जा रही हूँ 1 डे ट्रिप पे, कुफरी एडवेंचर रिजॉर्ट जो शिमला का नियर बाय प्लेस है। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत सारे जो है बच्चे हमारे साथ जा रहे थे, सीनियर क्लासेस थी और बहुत सारे स्टाफ मेम्बर्स। सो अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा, पर टेंशन भी थी, पता नहीं कि आधे पूरा दिन कैसे रहेगा। बट फिर लगा कि नहीं, जो है थोड़ा सा जो है अगर आपको मौका मिले खुश रहने का, थोड़ा सा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो वो कर लेना चाहिए। कभी कभी ना सेम रूटीन को फॉलो करके आप फेड अप हो जाते हो। सो इट्स बेटर कि आप जो थोड़ा सा आपकी जो है ना एक माइंड को फ्रेश करने वाली कोई चीज़ आप कर लो जो आपको खुशी देती हो, भले ही वो छोटी हो बड़ी हो, बट जो आपको पसंद है वो चीज़ कर लो। जब आप उसका आउटकम निकालते हो तो वो बहुत अच्छा आता है और आप जो है चीज़ों को और बेटरली तरीके से करते हो। तो बीच में ना इस तरह का चीज़ें होनी चाहिए। और मुझे ना अपने पुराने दिन याद आ गए जब मैंने बहुत सारे स्कूल्स में एज अ टीचर जो है वर्क किया है। तो जब हम वहाँ से पिकनिक जाया करते तो वो सारी चीज़ें ना फ्लैशबैक, मतलब वो सारा रिमाइंड हो रहा था, अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। सो हम लोग जो है ना अर्ली मॉर्निंग इसलिए जा रहे थे कि रास्ते में जो है ना कई बार ट्रैफिक भी मिल जाता है। और कुफरी एक ऐसा डेस्टिनेशन है कुफरी की, जहाँ पे आजकल जो है टूरिस्ट का क्राउड रहता है बहुत सारा। सो हमारा पर्पज़ यही था, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकलेंगे तो ठीक रहेगा। और यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझ में एनर्जी आ गई थी, पंजाबी सॉन्ग लग गए थे। और कभी कभी ना बिल्कुल ऐसे इंजॉय करना अच्छा लगता है, जब आपको मौका मिले ना छोड़ना नहीं चाहिए। मेरा तो यही लाइफ का जो है तरीका है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना। और जब भी आपको मौका मिले, कोई भी मौका मत छोड़िए जिसमें आपको खुशी मिले। कुछ लोग काम को अपनी लाइफ का ना एक ऐसा पार्ट बना लेते हैं, काम को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। काम, क्योंकि इंसान का काम जो है कभी ख़त्म नहीं होता है, वो टिल डेथ जो है कुछ ना कुछ करता रहता है। आप जो है अर्निंग भी कर लेते हो, काम का स्ट्रेस भी ले लेते हो, बट उसके साथ साथ जो है अपने आप को ना भूलें। बी योर सेल्फ, अपना जो है आपको जो चीज़ें खुशियां देती है उन चीज़ों को कीजिए। और यहाँ पे ना हम लोग नियर बाय जो है वो नारकंडा के साथ ही ऊपर को लोकेशन है, तो वहाँ पे जो है हम लोग थोड़ा सा रुके, बच्चों को जो है ब्रेकफास्ट वगैरह वो बच्चों को बिठा दिया यहाँ पे, ये अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रहे हैं और अच्छा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ से ना लोकेशन बहुत अच्छी है, इधर उधर व्यू बहुत अच्छा आता है। नारकंडा जैसे ही आप क्रॉस करती हो ना तो आपको जो है फुल ऑफ नेचर जो है चीज़ें वो देखना दिख शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं चारों तरफ कितनी ज़्यादा ग्रीनरी थी, बिल्कुल फ्रेश एनवायरनमेंट था। और यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया सबका और बैठ गए हम लोग बसेस में अपने। दो बसेस हम जो है स्कूल की गई थी, एक जो है स्कूल की थी, एक हमने जो है रेंट पे की थी क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे। सो हमने जो है छोटे से लेकर बड़े क्लासेस तक। सो जाते जाते एनर्जी इतनी ज़्यादा लो हो गई थी ना, इसके बाद फिर हम एक स्टेशन पे रुके और यहाँ पे हम लोग स्टाफ मेंबर्स थे, हम लोग जो है ब्रेकफास्ट, हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ पे हो गया है। और बहुत ही सुंदर वादियाँ हैं, सरदर्सी हो रही है बहुत ज़्यादा, सब बच्चों को ब्रेकफास्ट करा दिया है। सो चलते हैं, अब व्यू दिखाते हैं, इतना शानदार व्यू है। अभी हम लोकेशन में नहीं पहुँचे हुए हैं जहाँ पे हमें जाना है, डेस्टिनेशन हमारी वो देखिए, बच्चे सारे बैठ रहे हैं। चलिए फाइनली हम लोग पहुँच गए एडवेंचर रिजॉर्ट। और यहाँ पे ना बाकी स्कूल्स भी, आज बहुत ज़्यादा रश था, बाकी स्कूल्स भी आए थे, तो इस तरह से जो है बच्चों को लाइन अप करके सोचा कि प्रॉपर जो है। और यहाँ जो है ये इंस्ट्रक्टर है, ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं क्या क्या एक्टिविटीज होंगी। आज आपका हाफ डे रिफ्रेशमेंट लंच राइड्स का प्रोग्राम यहीं पर ही रहेगा। तो सबसे पहले जो आपकी राइड्स है वो आपने देख लेनी है, आपके साथ जूनियर क्लासेस के जो बच्चे हैं उनके लिए रहेगा ये वाला किड्स सेक्शन। इसमें आएगा आपका मिनी स्केटर, कंगारू जंप, बंजी ट्रैम्पोलिन, वेव ट्रेन, मिनी स्विंग चेयर और एरो, ये 6 गेम्स आएगी आपकी जो जूनियर क्लासेस के बच्चे। नेक्स्ट जो आपके सीनियर क्लासेस जो है वो उसमें आएगी आउटडोर गेम्स फॉर एडल्ट्स।
बच्चों को अच्छे तरीके से समझाने के बाद इनके जो है रिस्ट पे बैंड लगा देते हैं ताकि वो टिकट का एक सिंबल होता है। इसके बाद जो है हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए, अब हमारा स्टार्टअप हो चुका था, तो ये सारे जो है बच्चों को होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, यहाँ पे फिर से जो है लाइनअप कर दिया है इनको। अब सबसे पहले जो है रिफ्रेशमेंट के लिए जाएंगे और अच्छा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ। फन वर्ड तो मैं गई हूँ जो इसके साथ में ही पड़ता है, सेम है दोनों, बट यहाँ पे ना एक्टिविटीज़ थोड़ी ज़्यादा है बच्चों वाली। व्यू देखिए बाहर का कितना सही था, और यहाँ पे बच्चे भी ना अपना जो है वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे। और बस इसके बाद जो है हम देखते हैं आगे क्या होता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी थी, बट अच्छा बहुत लग रहा था। स्पेशली बच्चों के साथ ना अलग से इंजॉयमेंट होता है, आपको जो है आप खुद भी बच्चे बन जाते हो बच्चों के साथ। और यहाँ पे जो है अब हो चली है बच्चों की रिफ़्रेशमेंट, सो ये हमको जाने के बाद ही जो है बच्चों को वहाँ पे बोल दिया था रिफ़्रेशमेंट करवाने के लिए। इसके बाद जो एक्टिविटीज़ अब शुरू होंगी। के बाद बच्चों को फिर से लाइनअप कर दिया, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट में हॉन्टेड प्लेस ले जा रहे हैं। एक्चुअली बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बाहर की एक्टिविटीज़ जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है वो नहीं होनी थी अभी, तो हमने सोचा चलिए जो जो अंदर वाली एक्टिविटीज़ है वो करवा लेते हैं। तो हॉन्टेड प्लेस था, पजल्स वगैरह थे, तो वो सब चीज़ें करवानी थी बच्चों को। तो सबसे पहले हम यहीं गए और इसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें बाकी गए। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे आउटडोर गेम्स के लिए। ये था कि सडन से शिमला एक ऐसा स्टेशन है ना, जब भी आप आओ तो मौसम का कोई पता नहीं चलता है कब क्या हो जाए, तो आउटडोर जो एक्टिविटीज़ थी वो अभी पॉसिबल नहीं थी। तो हमने सोचा थोड़ा वेट कर लेते हैं, तब तक जो है जो अंदर वाली एक्टिविटीज़ वो कर लेंगे। और यहाँ पे बच्चे जो है पीछे बहुत एक्साइटेड थे, सो हम सारे स्टाफ मेंबर बस अभी ना थोड़ा सा मतलब रेस्ट लग रहा था और अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। गेम्स के बाद हम चल पड़े बाहर बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाने। मौसम जो है काफ़ी अच्छा हो गया था, और इसमें जो है ना जो छोटे बच्चे थे उनके लिए अलग से सेक्शन था, और जो थोड़े बड़े बच्चे थे उनके लिए अलग से जो है वो एक्टिविटीज़ थी। तो यहाँ पे जो है ये छोटे छोटे बच्चे थे हमारे जो यहाँ पे आराम से अपना इंजॉय कर रहे थे। हमारे साथ साथ ना टूरिस्ट भी बहुत सारे यहाँ पे आए थे, क्योंकि आजकल जो है सीज़न ही जो है टूरिस्ट के आने का है, तो वो भी उस वजह से क्राउड थोड़ा ज़्यादा था। इसी के साथ एक राउंड छोटे बच्चों का लगाने के बाद हम लोग भी बैठ गए, और अब जो है थोड़े बड़े बच्चे जो थे उनके साथ ये वाला स्विंग होना था, और बहुत ज़्यादा हाइट में जाना था ये, और बहुत डर भी लग रहा था।
हमें ना दो दो एक्टिविटीज़ करवानी पड़ रही थी, छोटे बच्चों के लिए अलग और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए अलग। तो ये ऊपर का सबसे टॉप का व्यू है, यहाँ से इस तरह का दिखता है इधर उधर, और यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे जो बच्चे थे उनके लिए बहुत सिंपल सी एक्टिविटीज़ थी, और बस ये राउंड राउंड वाला स्विंग था। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे निकल गए और जो चीज़ें थी वो एक्सप्लोर करने लगे। बहुत सारी गेम्स अभी हमारी रहती थी तो हमने सोचा चलिए ये वाला जो है ना इसमें हम भी जो है इंक्लूड हो जाते हैं। तो हम जो है जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे सभी ने कुछ ना कुछ एक्टिविटी की और अच्छा लग रहा था बच्चों के साथ ना, फिर अलग से जो है माहौल सा बन जाता है और अच्छा लगता है बच्चों के साथ जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ करना। इस वाले स्विंग में ना सबसे ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि ये जो है था भी बहुत डेंजरस सा था। बैठने के बाद टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, उसके बाद जो घूमता है ना गाइस, तो वो तो सबसे ज़्यादा हॉरेबल एक्सपीरियंस था उसका। सबसे ज़्यादा डर मुझे इसी वाले स्विंग में लगा था। ये लास्ट एक्टिविटी थी हमारी इस वाले स्विंग में जाना, ये भी बहुत हाइट में जाता था और बस इसमें जो है सभी बच्चे जो थे वो थोड़े से बड़े थे, वो बच्चे ही इसमें बैठने थे। अच्छा लग रहा था, स्कूल वाइज था, यहाँ पे और भी बच्चे हाँ। थे जो और स्कूल से आए थे इसमें जो है बैठ रहे थे। तो अब हमारे स्कूल की टर्न थी तो 30-30 स्टूडेंट तक के जो है इसमें बैठ रहे थे, तो इसमें भी मैंने भी पार्टिसिपेट किया और काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये बहुत हाइट में जाता है और डर बहुत लगता है। लास्ट एक्टिविटी होने के बाद अब इसके बाद जो लंच का टाइम था, तो यहाँ हम लंच के लिए असेंबल हो गए सारे। और ये वाला प्रीवियस आप पीछे देख रहे हैं ये है स्कूल, ये कोई और स्कूल आया था तो वो क्लोज हो चुके थे। इसके बाद हमारे बच्चों की टर्न थी हमारे स्कूल की। सो, खाने में बहुत सारे ऑप्शन थे, बच्चों के लिए नूडल्स था जो कि यूजुअली जो बच्चे हैं वो बहुत पसंद करते हैं। ऑप्शन बहुत सारे थे, बच्चों के अकॉर्डिंग ही रखा गया था वेन्यू, तो अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। और लास्ट में हम लोग भी फ्री हो चुके थे और लास्ट में अपनी जो है आइसक्रीम इंजॉय कर रहे थे। अब लास्ट का जो टाइम था वो था डांस का, और इसको कैसे हम पीछे छोड़ सकते थे। और बच्चों के साथ नाचना तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है इसका भी, और बच्चे जो है बहुत खुश थे आज क्योंकि पूरा दिन जो है अच्छे से इंजॉय किया था। बच्चों के साथ हम लोगों ने भी काफ़ी इंजॉय किया, हम भी बच्चे बन गए थे समझिए आज के दिन के लिए। और दिन का ना पता ही नहीं चला कि कैसे निकल गया, इतनी सारी एक्टिविटीज़ हमने की। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, जितना पॉसिबल हुआ उतना मैंने शूट करने की कोशिश की। के 5 बज रहे हैं और यहीं पे जो है हमें बहुत टाइम हो गया, और आधे बच्चे पीछे आधे बच्चे आगे, थकावट हो गई है। और आदि को जो 2-3 बार फ़ोन कर लिया, पता नहीं आज पहली बार उसे ना पूरा दिन छोड़ा हुआ है। हम लेट पहुंचेंगे, रात को शायद 11 बज जाएंगे। सो, इस ब्लॉग को भी मैं यही एंड कर रही हूँ। ये हमारी जो है 1 डे ट्रिप थी स्कूल की, बहुत इंजॉय किया बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियोस पसंद आ रही है फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें गाइस। बाय बाय। कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा बताइएगा।